नमस्कार, मैं साहिल, आप देख रहे हैं हिमकॉम न्यूज़। बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र का ढाबा हरियाणा में सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि हीमैन के नाम से यह ढाबा खोला गया था। नगर निगम ने पुलिस बल के साथ आकर कानूनी कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया है। 14 फरवरी को खुद धर्मेंद्र ने रिबन काटकर इसका उद्घाटन किया था। 14 फरवरी को बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र ने दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर करनाल में ढाबा खोला था। इस ढाबे का नाम हीमैन रखा गया था, लेकिन अब करनाल नगर निगम ने इस मामले पर पूरी कार्रवाई करते हुए इसे सील कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस ढाबे को लेकर पहले भी नोटिस भेजा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खबरों के अनुसार मालिक ने बताया जमीन को लीज पर दिया गया था, लेकिन ढाबे में गैर कानूनी नियमों के अनुसार काम किया जा रहा था। मना करने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं रोका गया। इसके बाद पुलिस प्रशासन को शिकायत दर्ज करवाई गई। बता दें कि ढाबे के 3 गेट हैं और तीनों को सील कर दिया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।